सरोकार। प्रधानमंत्री मोदी बताएंगे रूस यूक्रेन युद्ध रोकने का फॉर्मूला। बाइडेन की यूक्रेन यात्रा के बाद पहली बार रूस चीन अमेरिका के मंत्री साथ बैठेंगे। यूपी का आम बजट आज पेश होगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे बजट। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, इंदिरा गांधी ने मेरे पिता को हटाया, कहा वे बहुत ईमानदार थे और शायद समस्या यही थी। मेघालय सीएम कोनराड पर भड़की महुआ मोइत्रा, बोली विकास लाने में विफल रहने के लिए भ्रष्ट सरकार को सबक सिखाया जाना चाहिए। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लिखा डीयू के वीसी को लेटर, कहा 28 कॉलेजों में जल्द करें गवर्निंग बॉडी का गठन। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। योगी सरकार आज बुधवार को विधानसभा में अपना वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करेगी। माना जा रहा है कि इस बार सरकार करीब 7 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करेगी, जो ऐतिहासिक होगा। इसमें लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर महिला युवा सशक्तिकरण, किसानों के साथ साथ नई आब स्थापना और विकास परियोजनाओं पर जोर रहेगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सुबह 11 बजे संयुक्त सत्र में बजट पेश करेंगे और बजट पेश होने के बाद सदन में राज्यपाल अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। हाथरस में आगरा अलीगढ़ हाईवे पर रूहेरी गांव के निकट टीसीएम और ट्रैक्टर की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए। 4 लोगों को गंभीर हालत में अलीगढ़ रेफर किया गया। वहीं इस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। सिटी बस चालक और प्राइवेट गाड़ी चालक के बीच हुई टक्कर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं अब कार संचालक ने अपने साथी अधिवक्ताओं के साथ पुलिस पर समझौते का दबाव बनाया। वहीं मामले का पुलिस ने संज्ञान लिया और दोनों पक्षों के बीच सुलह समझौता करा दिया। डीसीपी हरदेश कुमार ने जानकारी दी है। कल शाम एक घटना थाना विभूति खंड क्षेत्र में घटित हुई, जिसके संबंध में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना से संबंधित तथ्य इस प्रकार है। कल शाम सिटी बस चालक तथा एक प्राइवेट वाहन में सवार कुछ लोगों के मध्य एक्सीडेंट को लेकर वाद विवाद हुआ, जिसकी सूचना मिलने पर थाना विभूति खंड से पुलिस मौके पर गई और दोनों पक्षों को विवाद वहीं पर शांत करा कर थाने पर ले आई। दोनों पक्षों का चिकित्सा परीक्षण कराने के लिए कार्यवाही प्रारंभ की गई। रायबरेली में एक दिन में एक ही गांव के 5 लोगों की हार्ट अटैक से मौत से पूरा गांव सहम गया है। गांव में चारों ओर कोहराम मचा हुआ है। घटना को सुनकर आसपास के लोग गांव पहुंच रहे हैं। गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र के भीतर गांव में सभी मृतकों का अंतिम संस्कार सो गांव घाट पर कराया गया। बताया जा रहा है कि सभी की हार्ट अटैक से मौत हुई। पर्चे दे दीजिए अपना। मैं डॉक्टर अंशुमान सिंह, एडिशनल सीएमओ रायबरेली हूं। सर, एक मामला हुआ है रायबरेली के खीरो ब्लॉक में जी, थाना गुरुबख्श के संदर्भ में, कि 5 लोगों की मौत बताई जा रही है। क्या है मामला ये? अभी तो केवल 3 ही मौतों का जो है हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेड हुआ है। खीरों के अधीक्षक ने देखा है उसको।
एक उसमें जो है कमल त्रिपाठी 50 ईयर्स सन ऑफ अर्जुन प्रसाद, एक निर्मला देवी वाइफ ऑफ सुंदर 17 ईयर, ये ब्राड डेड आए थे सीएससी पे, और एक ये दोनों भीतर गांव के थे, और एक जो है वो कालीखेड़ा गुरबकसगंज का आया हुआ था। आगरा में थाना शाहगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आगरा डीसीपी नगर विकास कुमार ने 12 बड़ी चोरियों का खुलासा किया है और 6 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से 84,730 रुपए और 3 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल, 1 तमंचा और करोड़ों रुपए के आभूषण बरामद किए हैं। बता दें कि चोरों को रेकी करके सबूतों के आधार पर पुलिस ने पकड़ा है। एक शातिर चोर यूसुफ 1997 से चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। नगर क्षेत्र में टीम बनाई गई थी, जो टीम लगातार इस पर कार्य कर रही थी, और इस टीम ने एक ऐसे गैंग पर अपनी नज़र बनाई जो कि लगातार चोरी घटनाओं को अंजाम दे रहा था। इसकी पहले रेकी की गई, हम लोगों ने, पुलिस ने पहले इन चोरों की रेकी की, और रेकी में हमने काफ़ी इनके विरुद्ध साक्ष्य भी जुटाए, और इसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया। कुल 6 चोरों को गिरफ्तार किया गया है, और उनके बयान के आधार पर और उनसे मिले साक्ष्यों के आधार पर, उनसे जो सामान मिले हैं, जो टेक्निकल सामान मिले हैं सर्विलांस के। बांदा के बबेरू कोतवाली पुलिस फेसबुक पर अमर्यादित पोस्ट डालने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। धारा 153A, 295A, 505 IPC और 67 IT एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर मेडिकल परीक्षण के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। बता दें कि बबेरू के भदेहुदू गांव के रहने वाले अमर पटेल समाज सेवी अपने फेसबुक ID पर 2 दिन पहले अमर्यादित हिंदू भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली एक पोस्ट डाली थी। थाना बबेरू क्षेत्र के ग्राम भदेहदू के अमर पटेल नामक व्यक्ति द्वारा भगवान शंकर के बारे में अपमानजनक पोस्ट फेसबुक और व्हाट्सएप पर किया गया था, जिसके संदर्भ में थाना बबेरू पर अभियोग पंजीकृत कर उसे जेल रवाना किया गया। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बेखौफ बदमाशों द्वारा एक ज्वेलरी शॉप में लूट का प्रयास किया गया है। गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र के संजय नगर सेक्टर 23 जागृति बिहार इलाके में मां भवानी ज्वेलर्स के यहां हथियार लेकर आए बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में लूट की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया है। बदमाशों की संख्या 4 बताई जा रही है और बदमाश हथियार लेकर ज्वेलरी शॉप में लूट के इरादे से पहुंचे थे। बदमाशों की तस्वीरें और पूरा घटनाक्रम वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। ACP कवि नगर अभिषेक श्रीवास्तव ने कहा कि बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा 4 टीमें बनाई गई हैं और जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा। आज थाना मधुबन बापूधाम क्षेत्र स्थित जागृति विहार में एक मां भवानी ज्वेलर्स करके दुकान है, जिसमें शाम 5:30 बजे 4 नकाबपोश बदमाशों द्वारा लूट का प्रयास किया गया। इसमें CCTV फुटेज के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ है कि एक बदमाश के हाथ में एक असलाह भी था। इस संबंध में तहरीर प्राप्त करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। घटना के अनावरण हेतु 4 टीमें गठित की गई हैं। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। रायबरेली जिले के विकास खंड डी क्षेत्र के टेकारी दादू में अमेठी सांसद स्मृति ईरानी द्वारा भेजे गए कंबल एवं बीज किट का वितरण किया गया। ये आयोजन BJP नेता विंदादीन मौर्य OBC जिला उपाध्यक्ष के द्वारा किया गया, जिसमें 60 कंबल गरीब परिवारों को वितरण किया गया। OBC जिला उपाध्यक्ष विंदादीन मौर्य ने बताया कि 50 कंबल सांसद द्वारा भेजे गए एवं 10 कंबल ब्लॉक प्रमुख विवेक सिंह द्वारा दिए गए थे, जिन्हें गरीब पात्र परिवारों को वितरण किया गया। वहीं इस मौके पर दिनेश सिंह सहित ग्रामीण मौजूद रहे। है आपका?
कहाँ के रहने वाले हो? प्रताप। आज कहाँ आए हैं आप और क्या कार्यक्रम था? कार्यक्रम कम्बल मिला है आपको, कैसा लग रहा है? अच्छा कम्बल मिला, अच्छा लग रहा है। अच्छा से लग रहा है। क्या कहेंगे बीजेपी सरकार के बारे में? अच्छा है तो अच्छा कहेंगे कि अच्छे हैं जी। कहाँ के रहने वाले हो? आज आप कहाँ आए हो? जूनियर स्कूल। क्या कार्यक्रम था यहाँ पे? कम्बल बटा थे। कम्बल वितरण था आपको मिला? हाँ। कम्बल मिला, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। क्या परिचय है दादा जी? बिंदादीन मौर्य जी, उत्थान सेवा संस्थान मंडल कोऑर्डिनेटर डी जी, और वैसे तो भारतीय जनता पार्टी से जिला उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा जी। आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम हुआ है? कार्यक्रम यहाँ पर दीदी जी के द्वारा कंबल वितरण का कार्य चल रहा है जी। ये 2017 से अनवरत कार्यक्रम ये हमेशा बांटा जाता है, लेकिन इस हिसाब से बांटा जाता है जिसको अब की दिया जाता है उसको अगले वर्ष फिर जी। आज कितने लोगों को कंबल दिए गए? आज यहाँ पर 60 लोगों का लक्ष्य था जी, लेकिन इसमें खबर रायबरेली से है, जहां कच्ची दीवार गिरने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। गंभीर हालत में उसे सीएचसी जगतपुर में भर्ती कराया गया। बता दें कि घर के बाहर जानवरों के लिए चारा काट रही थी, इसी दौरान महिला शिवपति पत्नी मंगल के ऊपर अचानक भरभराकर कच्ची दीवार गिर पड़ी। जगतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत तेजी के पूर्वा गाँव का मामला है। डॉक्टर साहब, एक अभी महिला है इसके ऊपर दीवार गिर गया, क्या है मामला? ये शिवपति हैं, 50 वर्ष की महिला हैं, जो जगतपुर से रिफर होकर गंभीर अवस्था में हमारे यहाँ इनको रिफर किया गया है। इनको भर्ती करके इनका इलाज शुरू किया है। बहन की शादी में राइफल से हर्ष फायरिंग करना और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में टिप्पणी करना दो नवयुवकों को भारी पड़ गया। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें दो युवक राइफल से फायरिंग कर रहे, साथ ही तमाम तरह की टिप्पणी कर रहे थे कि पीतल उड़ाएंगे, साथ ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को लेकर भी टिप्पणी की। पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लिया तो पता चला मामला 2016 का है। वीडियो में मौजूद दोनों की पहचान कर ली गई है, एक युवक का नाम विपिन तो दूसरा राजा है। विपिन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बता दें कि खोड़ा थाना क्षेत्र की घटना है। हर्ष फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके संदर्भ में अवगत कराना है कि वीडियो में दिख रहे दोनों युवकों की पहचान कर ली गई है, जिसमें से कि एक युवक विपिन नामक है, सन ऑफ होतीलाल, जो कि खोड़ा का निवासी है, और दूसरा युवक राजा नाम का है, जो कि इटावा का निवासी है। ये दोनों आपस में रिश्तेदार हैं और इनकी पहचान के उपरांत विपिन को हिरासत में ले लिया गया है। विपिन ने हिरासत में लेने के बाद विपिन से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि यह वीडियो 2016 का है। उसके घर में शादी हो रही थी, उसकी बहन की शादी पड़ी हुई थी, जिसमें सारे रिश्तेदार जुटे थे। उसमें राजा नामक यह युवक भी आया हुआ था। इसी के साथ मिलकर इन लोगों ने हर्ष फायरिंग की है। हर्ष फायरिंग में प्रयुक्त राइफल को भी बरामद कर। बाइक की टंकी पर महिला को बैठाकर तेज रफ्तार में जा रहा युवक का वीडियो इन दिनों हरदोई में चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया गया कि यह वीडियो हरदोई सीतापुर रोड का है, जब यह युवक एक महिला को बाइक की टंकी पर बैठे हुए रफ्तार भरते हुए जा रहा था, तभी किसी राहगीर ने इस वीडियो को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया और फिर इसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद एएसपी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो जो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, उसका पुलिस ने संज्ञान लिया है। वीडियो में बाइक का नंबर नजर आ रहा है, जिसको ट्रेस करने की पुलिस कोशिश कर रही है। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये वीडियो है और कहाँ का वीडियो है और क्या इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रहे हैं? हाँ, एक वीडियो आया है संज्ञान में, जो व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे वायरल है, जिसमें बाइक पे एक लड़का किसी महिला को बैठाया है आगे टंकी की तरफ और चला रहा है बहुत तेज़ी से। तो इसकी जांच की जा रही है, अभी इसके नंबर को ट्रेस करके और आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी।
उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।